अब हमारे यहाँ जो एंड द साइंस ऑफ द नोबल ड्रॉट, भाई नोबल ड्रॉट हमारे यहाँ कब तक चलेगा, तब तक हमें नोबल प्राइज नहीं मिलेगा। नोबल प्राइज सेशन हाइलाइट्स द स्ट्राइक रियलिटी सिंस इंसेप्शन ऑफ 1901 ओनली 12 इंडिविजुअल ऑफ द इंडियन ओरिजिन हैव अवार्डेड द प्राइज, जस्ट 5 बीइंग इंडियन सिटीजंस, नोटेबली सीवी रमन। इन सब में से इकलौते ऐसे लेट्यूरेट हैं जिन्हें साइंस कैटेगरी में नोबेल प्राइज फिजिक्स का 1930 में मिला था रमन इफेक्ट के लिए। 94 ईयर्स का गैप हो चुका है इसके बाद और अभी तक ग्लोबल स्टेज पे कोई भी साइंस का एक्सपेरिमेंट करके हम कोई भी काबिलियत नहीं मिला। नोबेल प्राइज अगर बात करें तो हमें बहुत कम मिला है आज की डेट में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होता रविन्द्रनाथ टैगोर से, ठीक है, फिर सी वी रमन को मिला, फिर एच आर गोविंद को मिला नोबेल प्राइज मेडिसिन का, फिर मदर टेरेसा को मिला, फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला, फिर अमर्त्य सेन को मिला, फिर वेंकट रमन को मिला। ये याद रखना यूएस सिटीजन है ये दोनों, ठीक है, ये भी यूएस सिटीजन है, ठीक है, इन सबको यूएस सिटीजन है जो इंडियन ओरिजिन के थे। इसके बाद कैलाश सत्यार्थी को मिला जो भारतीय थे नोबल पीस प्राइज। अच्छा, इसके बाद एक और प्राइज 2019 में मिला जो मिला था अभिजीत विनायक बनर्जी को, जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, इनको भी नोबल प्राइज मिला, ठीक है, ग्लोबल पॉवर्टी को हटाने के लिए। बट आज भी हमारे पास ग्लोबल में नोबल प्राइज क्यों नहीं आता, पहली चीज है लिमिटेशन इन रिसर्च। हमारे पास बेसिक रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा इनसफिशिएंट फोकस और फंडामेंटल रिसर्च है, हिंडरिंग इनोवेशन, लो पब्लिक फंडिंग है। हमारे पास आरएनडी के लिए जीडीपी का 0.7% ही दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा लोअर है, ठीक है, जीडीपी के कॉन्सेप्ट में देखिए 3% मिनिमम दिया जाता है, ब्रिक नेशन में भी ज़्यादा दिया जाता है। ब्यूरोक्रेसी फ्रेमवर्क बहुत है तो हमारी रिसर्च बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में, अगर हम कुछ नया करते हैं तो सरकारों से सुनती ही नहीं। डिके ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च कैपेबिलिटीज, कई सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिसर्च की फैसिलिटीज़ को मेंटेन ही नहीं कर पाए। डिमिस पूल ऑफ द रिसर्चर्स, इंडिया में 5 फ्यूअर रिसर्च हैं पर कैपिटल, जो चांसेस खत्म करते हैं कि नोबल वर्दी कोई कैंडिडेट हमें मिले। हम नोबल रिसर्च करना ही नहीं चाहते, हमारे यहाँ कॉपी पेस्ट चलता, हर चीज़ को हम कॉपी पेस्ट पे रखते हैं। सेलेक्शन प्रोसेस इज हाईली सेलेक्टिव, वाई इंडियन हैज़ प्रोड्यूस सेवरल नोटेबल साइंटिस्ट एंड नॉमिनेटेड फॉर द नोबल प्राइज बट हैव बीन ओवरलुक्ड, है ना। अमंग द पब्लिकली डिस्क्लोज नॉमिनेशन 6 इंडियन साइंटिस्ट स्टैंड, है ना, मेघानंद साहा, होमी भाभा, एस एन बोस, है ना, जी एन रामचंद्रन, टी शेषद्री एंड द उपेंद्र ब्रह्मचारी मेडिसिन के, ऑल वर नॉमिनेटेड मल्टीपल टाइम्स। इनको कई बार नॉमिनेट किया गया पर इन्हें कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। सेवरल फॉरेन प्रोमिनेंट साइंटिस्ट लाइक जगदीश चंद्र बोस जिन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन लाया था, के एस कृष्णन, हाँ, को डिस्कवर ऑफ द रमन स्कैटिक एफर्ट, इन सबको आज तक नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। यहाँ पर वेस्टर्न डोमिनेंस बहुत है, क्यों, क्योंकि वो रिसर्च करके रिसर्च पेपर में पब्लिश करा के इंटरनेशनली सबके पास पहुँचा देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में रह जाता। ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ नोबेल प्राइज साइंस हैव बीन अवार्डेड टू द यूएस एंड यूरोप, है ना, आउट ऑफ 1100 लिटरेट्स द कैटेगरीज आर हैंडफुल फ्रॉम द एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका विद जापान लीडिंग टू द नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज। नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे ज्यादा रिसर्च में किसको नोबेल प्राइज मिलता है, जापान। स्ट्रेटजीज क्या है, एम्फेसाइज अपॉन स्टेम एजुकेशन, ठीक है, टू फॉस्टर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च इंडिया मस्ट रीडायरेक्ट फोकस ऑन द करंट इंजीनियरिंग रश फॉर द फंडामेंटल साइंटिफिक एजुकेशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन नर्चरिंग द टैलेंट थ्रू स्कॉलरशिप एंड द मेंटोरशिप, रिवाइविंग इनिशिएटिव लाइक किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना विल इंक्रोज स्टूडेंट टू परस्यू केयर इन करियर इन प्योर साइंस सपोर्टिंग लॉन्ग टर्म साइंटिफिक इनोवेशन। हमारे यहाँ क्या होता है बेटा, हमारे यहाँ बच्चों को बचपन से डांस कराया जाता है पर बचपन से उनको इंजीनियरिंग के कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखाए जाते, है ना, एड्रेस ब्रेन ड्रेन। इंडिया साइंटिफिक कम्युनिटी रिमेन्स रिलेटिवली स्मॉल, ओनली 260 साइंटिस्ट पर मिलियन पीपल कंपेयर टू ओवर 44,000 इन यूएसए एंड यू। इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट सच एज हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एंड द वेंकट रमन रामाकृष्णन रिसीव नोबेल प्राइज इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। However, they conducted their groundbreaking work abroad and were not Indian citizen at the time of their awards. अब वो अब्रॉड में बैठे थे, वहाँ पे इन्होंने काम किया तब उन्हें मिला, इंडियन सिटीजन होते तो नहीं मिलता। To retain talent and prevent brain drain, India must improve infrastructure, salaries and the career prospects. अगर हमारे यहाँ से स्कॉलरली माइंड बाहर ना जाए तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अच्छी सैलरी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत ज़्यादा फ्यूचर के करियर प्रोस्पेक्ट। ब्लोस्टर रिसर्च कैपेबिलिटीज, नेक्स्ट जन नोबल लिटरेचर जो हैं इनको सिंथेटिक सपोर्ट मिलता है इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल के लिए,
इंक्रीज इन्वेस्टमेंट चाहिए साइंटिफिक रिसर्च के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सपोर्टिव इको सिस्टम चाहिए जो हमारी कंट्री में अवेलेबल है, फोस्टर इंटरनेशनल कोलाब्रेशन, कई नोबल विनिंग डिस्कवरीज जो है इंटरडिसिप्लिनरी और इंटरनेशनल कोलाब्रेशन के साथ होती है। इंडिया शुड प्रमोट ग्लोबल पार्टनरशिप बाई इंक्रीजिंग यंग साइंटिस्ट टू इंटर द टॉप रिसर्च ग्रुप्स वर्ल्ड वाइड। अब इनको क्या है, वर्ल्ड वाइड हमें रिसर्च करने जाना चाहिए। इनिशिएटिव लाइक 1000 स्कॉलर प्रोग्राम कुड फैसिलिट नॉलेज एक्सचेंज एंड इनोवेशन। 1000 स्कॉलर प्रोग्राम चलाओ, 1000 बच्चों को हर साल बाहर भेजो और वो स्कॉलरशिप के लिए काम करें। कल्टिवेट अ कल्चर ऑफ द रिस्क टेकिंग। हमारे यहाँ लोग रिस्क नहीं लेते रिसर्च में, वो चाहते हैं बस हमें एक PhD मिल जाए उसके बाद भाड़ में जाए दुनिया, ठीक है। रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेटिक कॉन्स्टेंट, यहाँ पर कल्चरल में बोर्ड एक्सपेरिमेंटेशन में ये ब्यूरोक्रेटिक्स जो हैं इनको दूर करना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। देखिए नोबल प्राइज पाना बहुत आसान है, अगर कोई कहे कि नोबल प्राइज हमें मिल सकता है नहीं मिल सकता, 110% मिल सकता है। हमको एक एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, हाई सैलरी देनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा और ट्रस्ट रखना पड़ेगा यंग टैलेंट को। स्कूल कॉलेजेस के पर्पस पे हमें क्या करना है, स्कूल एंड कॉलेजेस में हमें NGOs एंड ट्रस्ट के थ्रू जाना पड़ेगा और इनको स्पेस साइंस, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, ठीक है, और जीन एडिटिंग, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, इन सब के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी और इनको रिसर्च करानी पड़ेगी। जो स्कूल में मॉडल्स बन जाते हैं कि ये बनाओ वो बनाओ ऐसे इलेक्ट्रिक मॉडल लाओ, वो सब कॉपी पेस्ट है, वो नहीं करना। आप कुछ अपने हिसाब से यूनिक बना के लाओ, कुछ नया टैलेंट हंट करो। आपको चीजें बदलनी पड़ेंगी, अगर आप बदलोगे तो देश बदलेगा, नहीं बदलोगे तो देश नहीं बदलेगा।